राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित मौलाना अब्दुल करीम पारेख स्मृति व्याख्यान माला में आप सभी विद्वानों का और अतिथियों का हम स्वागत करते हैं। अब मैं जनाब अब्दुल मजीद पारेख साहब से अनुरोध करूंगा कि वे अपना मनोगत व्यक्त करें। ऑनरेबल चीफ गेस्ट आदरणीय कुलदीप नय्यर जी, मैडम भारती नय्यर जी, ऑनरेबल वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी, प्रो वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी, रजिस्ट्रार ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड ऑल द रिस्पेक्टेड गेस्ट, संसार के स्वामी के नाम से अपनी बात को शुरू करता हूँ और आज की इस मुबारक महफिल में आप तमाम लोगों का वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप सब लोगों ने आज अपना कीमती वक्त इस प्रोग्राम के लिए दिया, उस पर मैं अपने दिल की गहराइयों से आप तमाम लोगों का शुक्र अदा करता हूँ। उस मालिक का एहसान मानते हुए जिसने हम सबको पैदा किया, उस मालिक का उपकार मानते हुए जिसने इस संसार की रचना की, उस ईश्वर की कृपा मानते हुए जिसने हम इंसानों को पैदा किया। मेरे भाइयों, हम सबका वही एक अकेला मालिक है जिसने हमें पैदा किया। उस मालिक का कोई एसोसिएट नहीं, उसका कोई पार्टनर नहीं, हम उसी एक अकेले मालिक के अनगिनत पैदा किए गए क्रिएशन में से हैं और उसी के पैदा किए गए सबसे पहले इंसान आदम की औलाद है, जिसकी वजह से हम इंसानों का एक नाम आदमी भी पड़ा। आज की सभा का मकसद है कि इस दुनिया में तेजी से फैलती मजहबी बदअमनी का क्या हल हो। ह्यूमन हार्मनी, इंसानी हमदर्दी, अमन और शांति अब दुनिया से अलविदा होती दिखाई दे रही है, इसे किस तरह रिवाइव किया जाए। आज हम अपने देश में एक बहुत बड़ा क्राइसिस फेस कर रहे हैं और ये संकट कोई मामूली संकट नहीं, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, मॉरल एंड एथिकल क्राइसिस है, चरित्र और आचरण का संकट है। हम अगर इंसानी इतिहास के पन्ने पलट कर देखें तो हिस्ट्री कहती है कि कोई भी तहजीब और कोई भी सिविलाइजेशन उस समय तक ही अच्छा चलता है जब तक उसका इंटेलेक्चुअल और बुद्धिमान तबका सही रास्ते पर चल रहा होता है। सोसाइटी में एक सभ्यता और मॉरलिटी की, इंसानी भाईचारे की एक बहार आ जाती है, अमन और शांति का एक खूबसूरत मौसम बन जाता है। लेकिन जब सोसाइटी सेल्फिश, प्रोफेशनल और स्वार्थी बन जाती है तो उस समाज में नैतिकता के पतन और इंसानियत की गिरावट की कोई सीमा नहीं होती। आज दुनिया भर में एजुकेशन, साइंस, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि हम इलेक्ट्रॉनिक एज में जी रहे हैं, लेकिन हमें यह भी सोचना होगा कि एक ज़माना था जब बर्बादी बैलगाड़ियों में बैठकर देर से आया करती थी और आज ये दौर है कि बर्बादियाँ क्लिक ऑफ अ बटन से इमीडिएट और तेज़ी से आ जाया करती हैं। इसमें कोई शक नहीं कि हमने एजुकेशन और शिक्षा में तरक्की की, हमने भौतिक और मटेरियलिस्टिक तरक्की भी की, लेकिन जहाँ अखलाक, मॉरलिटी और नैतिकता की बात आती है वह अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इसमें तेज़ी से गिरावट आ रही है। हमारे इस अजीमुशान मुल्क ने 1947 से आज़ादी हासिल करते हुए तरक्की तो बहुत की, मगर इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि एक तरफ गरीब दो वक्त की रोटी न जुटा सके, दूसरी तरफ गोदामों में अनाज के भंडार सड़ रहे हों। इंसानों के विशाल समूह का बसेरा फुटपाथ पर हो और दूसरी तरफ आलीशान बिल्डिंगें महंगे दामों में बिकने के लिए तैयार हों। विशाल भारत के बेलिबास बच्चे सांस कम लेते हैं और खांसते ज़्यादा हैं और अनाज की जगह मिट्टी खाकर पेट भरते हों। हमारी महंगी शिक्षा प्रणाली, उसने धुरते और धोखेबाजों को भी जन्म दे डाला। मेडिकल शिक्षा इतनी महंगी कर दी गई कि डॉक्टरों को दया और करुणा छोड़ना पड़ा और इस तरह इस विशाल देश में उसूल और नैतिकता और इंसानी हमदर्दी छूटते चली गई और मतलब परस्ती और लालच ने अपनी जगह बना ली। और इंसान की इस सोच के बारे में पवित्र कुरान कहता है, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता जुरतुमुल मकाबिर। मटेरियलिज्म
اور لالچ کی عادت اس وقت تک سیٹسفائی نہیں ہو سکتی جب تک انسان اپنی قبر میں اپنی سمادھی میں نہ چلا جائے. اور ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, اس لالچ کی عادت کی وجہ سے انسان میں اپنے مالک کے سمکش حساب دینے کے پرتی لاپرواہی جنم لے لیتی ہے. پھر اس دیش کو کنیا بھرون ہتیا جیسے مہا پاپ نے بھی ڈسا, جس کی وجہ سے جینڈر امبیلنس ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ ایک ایسی مانو ہتیا ہے جس میں اس دنیا سے آنے کے پہلے ہی لڑکی کو مار ڈالا جاتا ہے. سنسار کے مالک نے اس مہا پاپ کا سخت نوٹس لیا کہ وہ عزل مؤودۃ سئلت بے ایزم بن قتلت, اس لڑکی کا کیا دوش تھا جس کو اس دنیا میں آنے سے پہلے مار ڈالا گیا. اگر اس کو لڑکی بنایا تو میں نے بنایا تھا, اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا. اگر قصور تھا, دوش تھا, تو انسانی سماجک سسٹم میں تھا جس میں سماجک ریت رواج کے نام پر ناری جاتی پر اتیاچار کیے جاتے رہے. ہمارا دیش اہنسا کے نام سے مشہور ہے, مگر افسوس کے ساتھ اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ کنیا بھرون ہتیا میں بھی ہم دنیا میں سب سے آگے ہیں. میرے بھائیو, انسان کے لیے بیماری بالکل سوابھاوک اور قدرتی ہے. کسی کا بیمار پڑ جانا غیر قدرتی نہیں ہے, لیکن انسان کی سوچ اور انٹلیکٹ جب بیمار پڑ جائے, جس کے سبب ایک بڑا مانو سمودائے کسی غلط راستے پر چل پڑے, تو یہ ایک بڑے فکر اور چنتا کی بات ہے. اور اس سے بھی زیادہ چنتا جنک بات یہ ہے کہ جس سماج میں برائی سے روکنے والے نہ کے برابر ہوں, تو اس سماج نے اپنی خیریت منا لینی چاہیے کہ اسے بربادی سے اب کوئی نہیں روک سکتا. پدم بھوشن مولانا عبد الکریم پارک صاحب, جن کی یاد میں ہم سب آج یہاں بیٹھے ہیں, انہوں نے اپنی اسٹڈی میں آسمانی کتابوں کو سروپری رکھا تھا. ان کتابوں میں پوتر قرآن کی وہ آیت آپ کے سامنے پیش کروں گا جس میں کہا گیا, ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون. انسانوں, ایک پازیٹیو سوسائٹی کے کنسٹرکشن کے لیے تم میں سے ایک گروپ ایسا ہونا چاہیے جو انسانی بھائی چارے کو پروموٹ کرتا رہے, انسانوں میں بھلائی اور ہمدردی کا واتاورن تیار کرتا رہے, گڈ سوشل نارمز کو مینٹین کرنے کی کوشش کرتا رہے, لوگوں کو برائیوں سے شانتی پوروک منع کرتا رہے, انسانوں میں بھید بھاؤ کو منع کرتا رہے, امن و امان اور شانتی کا واتاورن اور مانو سمان کو قائم کرنے کی کوشش کرتا رہے. اگر آدمی کا سمان ہم نے نہیں کیا, تو مانو ہم نے ہمارے پرم پتا آدم کا ہی سمان نہیں کیا. دوسری طرف سماج میں دھارمک رسم و رواجوں کو ہی اصل دھرم سمجھ لیا گیا. اگر ہم ہمارے دھرم کو اس کی اصل جڑ سے معلوم کریں اور آکاشی کتابوں دوارا معلوم کریں, تو بات کچھ اور ہی ملے گی. ایک ہندو جب تک اچھا انسان ہی نہیں بنتا, تو وہ اچھا ہندو کیسے کہلائے گا؟ ویسے ہی ایک مسلمان جب تک اچھا انسان ہی نہیں بنے گا, تو مسلمان اچھا مسلمان کس طرح کہلائے گا؟ اگر آسمانی کتابوں میں ہم دھرم کی اصل ویاکھیا کو پتہ کریں گے, تو ہمیں ملے گا, ارائیت اللذی یکذب بالدین, کیا اس انسان پر غور کیا ہے جو واستوک دھرم کو جھٹلاتا ہے؟ فذالک اللذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین, یہ وہی آدمی ہوتا ہے جو نردھن, اناتھ, یتیم, بے سہارا اور بھوکے لوگوں کے پرتی اپنی کوئی ذمہ داری نہیں سمجھتا. اس کے دل میں کبھی تڑپ نہیں اٹھتی کہ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دے. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون, سو بربادی ہے ایسی پرارتھنا, اپاسنا اور نماز پڑھنے والوں کے لیے جن کے دل اپنی عبادتوں سے دور ہیں. ان کی اپاسنا اور عبادتوں میں کیول دکھاوا ہوتا ہے, دھارمک ریت رواج میں ہی الجھے ہوئے ہیں. الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون, سڑکوں پر ہنگاموں کو ہی دھرم سمجھ بیٹھے ہیں, لوگوں سے واہواہی اور تعریف کی آشا رکھتے ہیں اور انسانیت کے کچھ کام نہیں آتے. ایسا لگ رہا ہے میرے بھائیوں کہ مانوتا نام کی کھیتی اب سوکھی پڑ چکی ہے. ضرورت ہے کہ اس کھیتی کو ہمیں پھر سے ہری بھری کرنی ہے. ہمیں دھارمک رسم و رواج سے اوپر اٹھتے ہوئے مانو سمان کو قائم کرنا ہوگا. ہمیں اس کرائسس سے بھارت کو آزاد کرنا ہے.
जब मोहल्ले में आग लगती है तो कमज़ोर अपनी कमज़ोरी को नहीं देखता, गूंगे भी चिल्ला उठते हैं, अपाहिज भी दौड़ उठते हैं, तो हमारा भारत का सभ्य समाज अब तक क्यों सोया हुआ है? अगर कोई सोया हुआ है तो उसे जगाया तो जा सकता है, लेकिन जो सोने की एक्टिंग कर रहा है, सोने का ढोंग कर रहा है, उसे कभी नहीं जगाया जा सकता। इसको पवित्र कुरान ने इस तरह कहा, फइन्ना ला तामल अबसार वलाकिन तामल कुलूबुल लतीफिस सुदूर। आंखें अगर इंसान की चली जाए तो मामला उतना नहीं बिगड़ता, लेकिन सीने में धड़कने वाली दिल की आंख अगर इंसान ने जानबूझकर बंद कर ली तो मामला पूरी तरह बिगड़ जाता है। जब तक इंसानी मर्म नहीं जागेगा, इंसानियत के बीच मानव सम्मान, इंसानी अमन और शांति और भाईचारे का वातावरण हम नहीं लाएंगे, तब तक हमारी बात बनेगी नहीं। कोई भी तरक्की, कोई भी डेवलपमेंट उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक ह्यूमन हार्मनी का वातावरण ना हो। इन्हीं कोशिशों में पद्मभूषण मौलाना अब्दुल करीम पारेख साहब का जीवन बीता। मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ आदरणीय श्री कुलदीप नय्यर साहब का शुक्र अदा करता हूँ कि आज नागपुर के आप जैसे बुद्धिजीवी और इंटेलेक्चुअल समाज से बात करने के लिए आप यहाँ पधारे हैं। मैं अपने दिल की गहराइयों से उनको धन्यवाद देता हूँ कि जब मैं दिल्ली में उनके घर पे गया और आज की सभा का मैं टॉपिक मैंने बताया कि एसेंशियलिटी ऑफ पीस एंड हारमोनी फॉर एनी प्रोग्रेस, तो बहुत खुश हुए और कहने लगे कि बहुत ही अच्छा विषय है और इस पर मैं ज़रूर बात करूँगा और आज के दौर में इसकी बेहद ज़रूरत भी है। आदरणीय कुलदीप नय्यर साहब का तारुफ और परिचय देना मैं समझता हूँ सूरज को आईना दिखाने की तरह होगा। आपने हमारे विशाल भारत को ग्रेट ब्रिटेन में इंडियन हाई कमिश्नर के पद पर रहते हुए रिप्रेजेंट किया है, भारत की जनता का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में किया है, देश की आज़ादी के पहले लाहौर से पत्रकारिता जर्नलिज्म से आज तक जुड़े हुए हैं और भारत की समस्याओं पर आपके बैलेंस आर्टिकल्स देश भर की मैगजीन्स में और अखबार में पढ़े भी जाते हैं। मैं उनके साथ आई हुई उनकी धर्मपत्नी श्रीमती भारती नय्यर जी का भी स्वागत करता हूं और उनका भी शुक्र अदा करता हूं कि वो भी आज के प्रोग्राम की शोभाएं। सर, आपकी बुजुर्गी और तबीयत का एहसास है मुझे, मैं वक्त न लेते हुए अपनी बात को समेटता हूं और जाते जाते आज की सभा में आए हुए मेहमानों को बतौर तोहफा कुछ देता चलूँ। सलाम हो प्रॉफिट मोहम्मद पर, जिन पर संसार के मालिक ने अपनी आखिरी किताब उतारी, उन्होंने दुनिया इंसानियत को अपने मालिक का संदेश दिया और उन्हीं के कुछ वाक्य और टोकन ऑफ गिफ्ट के तौर पर आप लोगों को सुनाता हूँ। वह ऐसे वाक्य हैं जो इंसान की सोच को बदलने की ताकत रखते हैं। फरमाया, अहकिम सफ़ीना तफा इन्नल बहरामी, इंसान तू अपनी कश्ती को मजबूत बना ले, दरिया बड़ा गहरा है। फिर कहा, खफ़िफ़ ज़हरक फ़इन्नल अक़बत क़ऊद, अपनी पीठ को पापों के बोझ से हल्का कर ले, घाटी बड़ी सक्रिय है। वस्तक़सिर ज़ाद फ़इन्नस सफ़र तवील, सामान सफ़र साथ में ले ले, रास्ता बड़ा लंबा है। और आखिर में फरमाया, वस्तख़लिस फ़िल अमल फ़इन्नन नाक़िद बसीर, अपनी नीयत को खरी कर ले, परखने वाले मालिक की निगाह बड़ी तेज है। थैंक यू सो मच। इतनी मौजू और रिलेवेंट तकरीर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पारेख साहब। ये था पारेख साहब का मनोगत और माननीय अतिथि महोदय का परिचय भी उन्होंने दिया। राजसंत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के विद्वान वाइस चांसलर साहब से अनुरोध है कि वे इस कार्यक्रम का अध्यक्षीय भाषण दें। ऑन द ओकेजन ऑफ मौलाना अब्दुल करीम पारेख स्मृति व्याख्यानमाला लेक्चर सीरीज, ऑल डिग्निटरीज ऑन द डायस, एट द आउटसेट आई वेलकम ऑनरेबल श्री कुलदीप नायर, who doesn't require any introduction, and it is an honor
of the university that such personality has come to our university. And he is going to talk on a topic which is extremely essential, that is, communal harmony is utmost needed for development. And this is the place where we generate knowledge, we propagate knowledge, and we disseminate knowledge. And according to me, only education can create this harmony, and we can participate in the progress of our country. Now it is time to think in 21st century, leaving behind 19th century mindset and 20th century process of development. We need to look at the new challenges, new opportunities, and harness upon the opportunities to convert the knowledge into wealth. Everyone should be educated, everyone should be free from any so-called restriction, and one should have opportunity or accessibility to have knowledge, have education in the field in which he is interested in. It is time to listen to Sri Kuldip Ji Nayar. I once again thank everyone here for coming, and let us listen to his speech. With this, I conclude. Thank you very much. हम आज इस महत्वपूर्ण मौलाना अब्दुल करीम पारेख स्मृति व्याख्यान माला में एक महत्वपूर्ण शख्सियत का वक्तव्य सुनने के लिए आए हैं. ये ऐतिहासिक हॉल में हम आमंत्रित करते हैं कि वे अपना वक्तव्य इस विषय पर करें. नायर साहब स्वयं एक मूविंग इनसाइक्लोपीडिया हैं, चलते फिरते विश्वकोश, और एक इस इतिहास के दर्शन कराने वाले हॉल में हम सब लोग उन्हें सुनने के लिए बेकरार हैं. वाइस चांसलर साहब, प्रो वाइस चांसलर साहब, मजीद पारेख रजिस्ट्रार साहब, और जो सामने बैठे हैं दोस्त यार देवी और सज्जन, मैं कुछ हिंदी में, कुछ उर्दू में, कुछ अंग्रेज़ी में ऐसे मिक्स करके बोल दूँगा. कोई मैं तकरीर लिख के तो लाया नहीं, और वैसे भी मुझे लिखी तकरीर कुछ जकड़ा जकड़ा सा काम रहता है. मुझे बहुत फ़ख्र है कि मुझे मौलाना अब्दुल करीम पारेख के मेमोरियल लेक्चर पर बुलाया गया, और मेरी बदकिस्मती है कि मैं उनको तो नहीं मिला, लेकिन उनके बच्चों को मिला हूँ. तो उससे लगता है कि कितने बड़े इंसान थे, कितने बड़े पिता थे, और कितने बड़े हिंदुस्तानी थे. और उन्होंने जो भी लिखा, कहा, पढ़ा, वो सब अपने देश के लिए. मुसलमान पक्के थे, लेकिन सबसे पहले वो हिंदुस्तानी थे और मुसलमान बाद में थे. ये हम सब लोगों को याद रखना चाहिए कि हम चाहे हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, देश सबसे ऊपर, हम उसके पीछे. और अगर देश ही है तो सब हैं, अगर देश नहीं है तो हम कोई भी नहीं. तो इसलिए ये मुझे पारेख साहब का बहुत अच्छी बात लगी कि उन्होंने अपने बच्चों को जो तालीम दी है वो मजहबी तालीम तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन हाँ, एक ऐसी अखलाकी तालीम दी है, एक ऐसी तालीम जिससे कि इंसान को भलाई मिलती है, ऊंचापन मिलता है. और सबसे बड़ी बात ये कि उनमें कूट कूट के हिंदुस्तानियत भर गई थी, और ये एक बहुत कम मिलने को आता है, चाहे वो हिंदू हों या मुसलमान हों, जो चाहे अपने आप को हिंदुस्तानी तो कहते हैं, बट व्हेन यू रियली प्रोब देम, स्क्रैच देम, देन दे टर्न आउट टू बी व्हाट दे रियली आर, आइदर
हिंदू और मुस्लिम और सिख और क्रिश्चन, पंडित जवाहरलाल नेहरू और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर सेड, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज एंड हु डाइज इफ इंडिया लिव्स। तो मुझे ये पारिक साहब का ये जो उन्होंने अपनी तालीम दी, और ये एक न सिर्फ यहाँ बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी गए, और मैंने उनको इतना पढ़ा तो नहीं, लेकिन अब ज़रूर कोशिश करूँगा कि पढ़ूँ उनको और उनको समझूँ कि कैसे वो कहते हैं कि उन्होंने बताया कि कुरान शरीफ की जो आजकल तफसीर या इंटरप्रिटेशन की जाती है वो गलत है, वो इंसानियत को सबसे ऊंचा रखती है। तो ये पढ़ना पड़ेगा क्योंकि हर किस्म की इंटरप्रिटेशन दी जाती है। आज आप में से बहुत मैं देखता हूँ कि यंग चेहरे हैं ऊपर बैठे हुए, वो पास में बैठे, तो आप लोग, मैं तो नहीं देखूँगा, लेकिन आप लोग चांद पे सैर करने जाएंगे। ऐसे इंसान ने एक ऐसी चीज़ें साइंटिफिक डिस्कवरी की है जिससे कि आदमी अब चांद को पहुंच सकता है। तो एक तरफ तो इंसान ने ऐसी तरक्की की कि ऐसे आलात बनाए, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बनाए कि जिससे चांद को पहुंच सकता है, लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा बम बनाया और ऐसे एक हथियार बनाए कि कुछ मिनटों में ये दुनिया का बसमार भी हो सकता है। तो कहाँ उसकी इतनी बड़ी अजमत और कहाँ इतनी बड़ी गहराई दुनिया में और हिंदुस्तान में। बस यही एक नेकी और बदी की लड़ाई जारी रहती है, रही है, सालों से रही है। अगर आप रामायण पढ़ें, महाभारत पढ़ें या और कोई किताबें यहाँ की पढ़ें, तो उसे यही लगता है कि कैसे इंसान यही शक्तियों से लड़ता रहा कि कैसे वो बुराइयों से ऊंचे हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, देन द मैन मूव्ड ऑन, ऑलराइट, देन ही वांटेड टू सी अडॉप्ट ए रिलीजन, ही अडॉप्टेड ए रिलीजन, बट रिलीजन वॉज कन्फाइंड मोर और लेस to the temples, to the premises of gurdwaras, churches, and lost in the mumbo jumbo of the religious scripture. Phir bhi insaan ko uncha nahi ko bana saka mazhab bhi. Phir insaan ne socha ki haan, ye mazhab bhi baat theek nahi, shayad ek aur kisam ka mazhab bane, jisme एक किस्म और किस्म का इंसान मतलब बने जिसमें कि ये जो इक्तसादी इकोनॉमिक जो रोज़मर्रा की बातें हम करते हैं उसका क्या हल हो, गरीबी का क्या हल हो, अमीर क्यों इतने अमीर रहे, क्यों नहीं। तो ये एक कम्युनिज्म एक और मज़हब आया, लेकिन ये मज़हब ये था कि वो इंसान को एक जकड़ दिया एक मशीन में से। आदमी तो बहुत बड़ा है, बड़ा आज़ाद है, तो वो ये जो डिसिप्लिन, ये कि ये डूज एंड डोंट्स एंड ये प्रोलेटेरियट की ये डिक्टेटरशिप है या वो है, तो इंसान उससे भी तंग आ गया, ढूंढा क्या ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सचमुच इसका हल है। आज आप देख ही रहे हैं कि पार्लियामेंट डेमोक्रेसी में क्या हो रहा है। अगर यही पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है जिसमें कि कोई काम नहीं होता, अपोजिशन अपनी तरफ है, जो पावर में है वो अपनी तरफ है, और कोई मीटिंग ग्राउंड ही नहीं है, और अगर देश में मीटिंग ग्राउंड ही नहीं है तो देश तरक्की कैसे करेगा। अगर ऐसे हालात ही नहीं कि जिसमें वो तरक्की कर सके तो फिर तरक्की कैसे करेगा। तो ये आज अभी तक गरीबी की ऐसी धारा है कि 101/3 लोग अभी भी रात को रोटी खाए बगैर सो जाते हैं। आज़ादी को मिले 70 साल हो गए,
तो अगर ये हल भी नहीं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी तो क्या डिक्टेटरशिप हल है? हमने देखा जब एक एमरजेंसी लगी तो क्या किस्म के जुल्म ढाए गए और क्या लोगों को जकड़ दिया गया, पकड़ लिया गया, 1,00,000 आदमी को विदाउट ट्रायल एंड और कोई कोर्ट के किया गया था, फंडामेंटल राइट्स ख़त्म कर दिए, प्रेस सेंसरशिप लगा दी एंड गवर्नमेंट सर्वेंट्स बिकेम एन इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ टायरेंट्स। तो अब वो भी अगर ठीक नहीं है तो फिर क्या रास्ता है? हाँ, एक आदमी इस देश में आया, महात्मा गांधी, जिसने कहा कि हाँ, अगर आप लोग सही रास्ते पे चलो, इफ योर मीन्स आर क्लीन योर एंड्स मे बी क्लीन, अगर एक रास्ते पे ऐसे पे चलो जिसमें कि आप लोग सचमुच एक नुकसान के इसका नुकसान या उसका, बल्कि एक रास्ता कि जिसमें किसी को कोई आप वायलेंट डीड नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे एंड आप कहीं पहुंच सकते हो। तो मैं अब मैंने गांधी जी को खुद देखा है आँखों से। गांधी जी को जब मैं वहाँ सियालकोट शहर पाकिस्तान से आया तो रास्ते में बहुत खून देखा। हम लोगों ने 10,00,000 आदमी मार दिए थे एक दूसरे के इस हादसे में और 20,00,000 बेघर हो गए थे। गांधी जी ने कहा कि एक ऐसी सोसाइटी बनाएं, कल हिंदुस्तान का ऐसा देश बनाएं जिसमें कि इंसान को इंसान इसलिए नहीं पहचाना जाएगा कि हाँ वो एक मेजॉरिटी कम्युनिटी हिंदू से है या वो माइनॉरिटी कम्युनिटी एक मुसलमान से है या सिख से है या ईसाई से है, इंसान को तोला करें। जैसे इकबाल ने कहा है, तर्ज ये जमहूरियत है वो तर्ज हकूमत, गिनों बंदों को गिना करते हैं तोला नहीं करते। आज गांधी जी ने कहा कि ऐसा निज़ाम जिसमें सब हम इकट्ठे होके मेरिट से, और ऐसा तरीका कि मीन्स विल नॉट बी विशिएटेड सो दैट द एंड्स डोंट गेट विशिएटेड। तो उन्होंने एक हमें प्लूरिस्टिक सोसाइटी दी, एक ऐसी सोसाइटी जिसको सेकुलर भी कहते हैं लेकिन प्लूरिस्टिक, कि हम सब मिलजुल के रहें और ये ख्याल रखते हुए कि इस देश में हम बराबर के हिस्सेदार हैं, चाहे छोटी गिनती के हैं या बड़ी गिनती के हैं, किसी का किसी पर दबाव नहीं। मुझे याद है कि मैं थोड़ी देर के लिए हिंदुस्तान का हाई कमिश्नर बना था लंदन, तो उस वक्त कोल्ड वार अब ख़त्म हो रही थी, रशिया कोलैप्स कर रहा था और जो दूसरे वेस्ट के इलाके थे, वेस्ट पावर्स थी, वो अब पावर में आ रही थी। तो मिसेस थैचर तब मेरे प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त बरतानिया की, तो मैंने वो कहीं से मिला तो उनसे कहा कि अभी आप मास्को गए थे, कहती हाँ। तो मैंने कहा हाउस मिस्टर गोर्बाचोव, कहती है गोर्बाचोव कहता है हाउ डू आई कीप द कंट्री टुगेदर, इट्स स्लिपिंग फ्रॉम माई हैंड्स। कहती है मैंने उसे कहा जाओ हिंदुस्तान में देखो, सदियों से डिफरेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, डिफरेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ डिवेलपमेंट, रिलीजन्स, कास्ट, एथनिक कंसिड्रेशन, सब चीज़ें के बावजूद भी सदियों से ये इकट्ठा रहा। मेरी तरफ बोला मुखातब होके कहने लगी मिस्टर हाई कमिश्नर व्हाट डू यू एट्रिब्यूट टू। आई टोल्ड हर, आई सेड कि मैडम प्राइम मिनिस्टर, इन इंडिया वी डू नॉट थिंक थिंग्स आर आइदर ब्लैक आर वाइट, वी थिंक देर इज अ ग्रे एरिया, वी गो ऑन एक्सपेंडिंग द ग्रे एरिया, दैट्स आवर प्लूरिज्म, दैट इज आवर सेकुलरिज्म। एंड शी सेड देन हाउ डू यू कीप इट टुगेदर,
I said to her that we have this sense of tolerance and spirit of accommodation. Ladies and gentlemen, this glue of sense of accommodation, spirit of tolerance is very important. And I find today that this glue is getting dry. People are not as tolerant as they used to be. People are not accommodative as they used to be. Now, every time he's thinking of his or her own self, his or his own party, his or his own region, his or own... Because I'm surprised here, for example, I was listening last night to the Marathi program, news items. Marathi Prime Minister, the Chief Minister, Marathi Minister starts with Marathi and then comes to Hindi. Why not Hindi first? Marathi comes later. Marathi, Hindi is the national language. I can understand people using also English. That's understandable. But it's not understandable that Marathi pehle to hum Punjab mein hum Punjabi pehle shuru kar dein, koi aadmi Bengali shuru kar de, to desh kahan jayega? Desh ki unity kahan jayega? Kyunki humne desh abhi bahut dur jana hai. Abhi is desh ko banana hai. अगर देश को बनाना है तो एक कंडीशंस चाहिए जिसमें पॉलिटिकल कंसेंसस चाहिए. पॉलिटिकल कंसेंसस में ना ही तो अपोजिशन को मददगार है एंड नॉट इज द रूलिंग पार्टी. सो हाउ डू वी हैव अ कंसेंसस इन दिस कंट्री? बिकॉज विदाउट कंसेंसस वी नॉट बी एबल टू गो अहेड, लेडीज एंड जेंटलमैन. एंड आई रिमेंबर it was the last day of the Constituent Assembly session. I was in the press gallery. Dr. Rajan Babu, who was the president, the chairman of the Constituent Assembly, he said, today we have passed the best of constitution. True. He said, now this constitution will be interpreted by best of the people. Meaning lawyers, and the best of the people will give verdict, judges. But he said, unfortunate that we do not have any educational qualification even for the people who are going to legislate, who are going to prepare laws, meaning the members. Pandit Jawaharlal Nehru, the Prime Minister, got up. He said, Rajan Babu, aap sahi kehte hain. कि हमने बहुत अच्छा एक दस्तूर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है. आप सही कहते हैं कि हम लोग जो हैं अब इसमें हर वो खूबी है जो कि एक दस्तूर में होनी चाहिए. लेकिन जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो ये जिनको आप कहते हैं ये अंग्रेज़ी पढ़े वाले या एडवांस्ड या ये जो बहुत बेस्ट ऑफ माइंड, ये सब तो अंग्रेज़ों की तरफ टोडियों की तरफ थे. तो अब जब वक्त आया है आज़ादी का कुछ फल लेने का तो मैं क्या कहूँ कि नहीं तुम अनपढ़ हो, तुम गरीब हो, तुम जहालत में हो, इसलिए तुम्हें नहीं सकता. इन्हीं लोगों ने तो हमें आज़ादी दिलवाई, ये तो टोडी दूसरे से. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, टुडे दोज पीपल who have strengthened democracy, those people who have strengthened unity, those people who are proud to call themselves Indians, whatever they are, still so poor, they are still being ignored. And on the horizon you find the elite, in the leadership you find the civil society. Yes, civil society is important, thinking is very important, but is it important that those people also not be brought up? How do you bring them up? Because our growth rate is only 5.5%, and if you want them to be, at least it should be doubled. How do we double it when political parties are not at all thinking? Not only quota equality equation, but something even together.
I have been thinking about it. I don't know how you are thinking about it, but let's see. Let's see if this parliament did not produce consensus. I do not think after the election in 2013 even possible, that there will be any party which will be able to form the government single-handed. So it will be again a coalition, again coalition dharma, and then again the placating of coalition partners, somewhere, some by price, some by threat of CBI. So, is that parliamentary democracy? How do we, vote is important, but how do we bring stability? Let's think of, can we think of a presidential form of government? Presidential form of government, I mean, it's you retain independence, you retain vote in America just like president or in France. We can think of very combination. But at least somebody is elected by for 4 years by the country, south, north, west, east. And then he has time to rule. He's not now beholden to parliament every day as is today the prime ministers are. So I agree, it's possible that there may be a dictatorship, just like we see from the emergency, Mrs. Gandhi became dictator. Will that, is that the fear? But we can think of some ways whereby we can check that dictatorship. But this, what is happening today, is not making any progress. And I don't think this will make any progress for the next 10 years. I do not see any political party single-handed coming to power in the next 10 years. At least this is what I can see. Now, should we go on postponing our development like that? Maybe. I am not saying that this is my final word. I am not saying that I am also convinced about this system. But I am thinking that we should start a debate about it. Okay, whether this system, should we really think about it? And should we think, is it possible to have a system? Maybe we can start with the states and not with the center. Or with the center and not the states. And, but we can think of so many combination permutations. But it is important that we elect a person for 4 years and then give him or her a power to rule for 4 years and have the full mandate instead of only these political jor-tor which is going on. In this way, we media is very important. Media is important today because it really dominates thinking. And I'm sorry to say that this fourth estate is faltering. Fourth estate is the one which should have risen to the occasion but is failing. Aaj akhbar, television, ek aisi instrument hai jo ki bahut influence karte hain aur bahut karenge bhi. Lekin wo aaj ya to partiyon ke hath mein bik gaye hain ya kahi malik koi ek kism ka sochne wala usme bik gaye hain ya khud hi paise wale ke paas bik gaye hain. आज आप जिसको हम पेड न्यूज़ कहते हैं तो क्या है पेड न्यूज़ कि आप पैसा दीजिए और कौन सी खबर किस पेज पे लगानी है लगवा सकते हैं. मैं शर्म से कहना चाहता हूं कि मैं उस प्रोफेशन को बिलोंग करता हूं. वो हमारे वक्त ऐसी बात कभी सोचते भी नहीं थे पर खैर आज है. तो अगर इस मीडिया का भी क्या किया जाए, मैं सोचता हूँ कि कम अज़ कम एक प्रेस कमीशन तो अपॉइंट करें. एक प्रेस कमीशन हुई थी अपॉइंट आज़ादी के बाद और फिर हुई थी कि इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी ने बनाई थी. उसके बाद कोई नहीं बनी. उसके बाद टेलीविजन आया, उसका कुछ नहीं बना. तो एक तो हम क्या कोई ऐसा भी चीज़ कर सकते हैं जिससे कि इसको सोचें कि भाई क्या एक अखबार वाले को हक है कि वो टेलीविजन भी करे, रेडियो भी करे, अंग्रेज़ी हिंदी सब जबानों में भी करे. तो फिर ये तो एक कार्टल्स बन रहे हैं ना. तो कार्टल्स में डेमोक्रेसी कैसे बचेगी?
और कार्टेल्स में अगर डेमोक्रेसी बचेगी तो बड़ी डाइल्यूट होगी। तो इसलिए ये भी आपको एक सोचने की मैं बात सोच आपके लिए सोच रहा हूँ कि आप सोचिए इस पर कि क्या इस पर भी कुछ किया जा सकता है क्या, क्योंकि आज अखबारों पे जो निकलता है उस पर इतवार करना बड़ा मुश्किल हो गया। मेरे लिए मुश्किल हो गया तो आपके लिए तो और भी मुश्किल होगा, क्योंकि मैं तो पूछ सकता हूँ, फ़ोन कर लेता हूँ भाई क्या है, सही है क्या नहीं है, पर लेकिन तो एक शंका इन इन डेमोक्रेसी वेयर इंफॉर्मेशन स्टर्स रिस्पॉन्स, इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी टेंटेड, इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, सो वी हैव टू थिंक समथिंग अबाउट इट कि कैसे क्या किया जाए कि जिससे ये भी हो। और जो एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ वो ये है कि देखिए ये देश हिंदुस्तान कभी भी अमीरी की वजह से नहीं हुआ। सोने की चिड़िया बोलते थे कभी अंग्रेज़ों ने लूट लाट ली, लेकिन इसकी कुछ बेसिक वैल्यूज़ हैं। अगर बड़ी बड़ी इमारतें बना दें, बड़ी बड़ी लेबॉरेटरीज बना दें, फार्म्स बना दें, माल्स बना दें, इफ़ इन द प्रोसेस वी हैव लॉस्ट आवर स्पिरिचुअल हेरिटेज, लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट इज़ नॉट द कंट्री ऑफ माई ड्रीम्स। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट दैट वी रिटेन आवर स्पिरिचुअल हेरिटेज। कुछ बेसिक वैल्यूज़ हमारे देश की हैं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि इस सारे खित्ते की है। हिंदुस्तान को पहल करनी चाहिए कि इस खित्ते को एक ऐसी धारा में परोए जिसमें कि लोगों को इंसानियत का पता हो, जिसमें लोगों को एक ऐसी वैल्यूज़ का पता हो जो कि हम जिसको हम फॉलो करते रहे, जैसे गांधी जी से फॉलो किया हम सब ने। तो कौन सी वो, अगर ऐसा मे बी ये आज कहा जाता है कि भाई क्या फिर से मिलेंगे कि नहीं, मैंने कहा था कि ये मिलेंगे, वो देखा जाएगा कई भी साल में, अगर लोग सोचेंगे कि फिर से मिलें तो मिल सकते हैं, लेकिन इसको कई 500 हो सकता है 100 साल 200 कई सौ साल लगे, लेकिन तब तक एक इकोनॉमिक मार्केट तो बना सकते हैं ताकि चीज़ें यहाँ की वहाँ बिकें, वहाँ की यहाँ बिकें, और एक ऐसा लोग वहाँ जाएं, क्योंकि ये सब खित्ते में जो लोग हैं ये एक ही तरह का सोचते हैं, ये एक ईस्टर्न वे ऑफ थिंकिंग है, एक जिसको ओरिएंटल बोलते हैं। बाइबल में लिखा है कि वन डे पीपल फ्रॉम द वेस्ट विल गो टू द ईस्ट टू लर्न, टू लर्न वॉट। अगर हम ही वेस्टर्नाइज हो गए, अभी हमने ही मगरब की तरफ देखना शुरू कर दिया, हम ही सब उनकी चीज़ें, उनकी ड्रेस, उनका थिंकिंग, उनका म्यूज़िक सब कुछ ले लिया, तो अपना क्या रहेगा। आज एक जो हाथ का कारीगर है उसके लिए तो रोटी बहुत मुश्किल हो गई। आज जो पुराना म्यूज़िक था अब तो वो म्यूज़िक ही ख़त्म हो रहा है, अब वो क्लासिकल म्यूज़िक कदर गया। हमारी जो कदरें हैं, हमारी जो वो ये चीज़ें बहुत प्यारी हैं, हमें इन्हें बचा के रखना चाहिए, क्योंकि देखिए लेडीज एंड जेंटलमैन कि असल में प्रॉब्लम हमारी ये हो गई कि हमें अब अपने आप से प्यार, दौलत से प्यार, बच्चों से प्यार, अच्छा बुरा नहीं है, लेकिन सब दायरा एक छोटा सा हो गया है। मेरा मेरा ही फैमिली, मेरे ही कुनबा, मेरी पार्टी, मेरे ही लोग, मेरे ही धर्म के, ये सब कुनबा छोटा सा हो रहा है। देश बहुत बड़ा है और ये खित्ता बहुत बड़ा है जिसमें सब तरह के लोग रहते हैं, क्यों नहीं हम अपनी सोच बदलते, सोच को सोच ऊपर ले जाए। आज यंग मैन के लिए, यंग लेडीज़ के लिए ये एक सवाल है कि यू शुड फेस योर सेल्फ, व्हाट डू यू बिलीव इन, डू यू बिलीव इन रियल डेमोक्रेसी, डू यू बिलीव इन द पीपल्स राइट्स, डू यू बिलीव इन इक्वालिटी, डू यू बिलीव इन इगैलिटेरियन सोसाइटी, डू यू बिलीव दैट प्लूरिज्म इज द बेस्ट मेथड, एंड इफ यू बिलीव इन देन वाई डोंट यू गेट अप एंड स्पीक आउट। एमरजेंसी में यही हुआ कि लोग सब झग की तरह बैठ गए, मैंने देखा कि कोई बोलता ही नहीं था, डर गए थे सब। ये डर इस देश में, अंग्रेज़ों से तो हम डरे नहीं, हम तो छाती ठंड के खड़े रहे, लड़ाइयों लड़ी। मुझे अभी तक याद है कि मैं एक कॉलेज की डेमोंस्ट्रेशन में था तो एक अंग्रेज़ ने मुझे कस के बैत लगाया था,
जब मैं भारत का राजदूत होके गया तो मैं बहुत का सबका रूस से कहा, देखा कि अब ये लोग क्या हैं और मैं हम क्या हैं। ये अपने काम में गुरूर पैदा कीजिए कि वट टू बी एन इंडियन, टू बी प्राउड टू बी इंडियन, टू बी साउथ एशियन, प्राउड टू बी साउथ एशियन, ये उस गुरूर कीजिए। मैं एक फैज अहमद का एक किता है, फैज अहमद फैज बहुत प्रोग्रेसिव पोइट थे, उनसे ख़त्म करना चाहता हूँ। जिस धज से कोई मक्तल को गया, धज होता है डिग्निटी, डिग्निटी इज्जत शान, जिस धज से कोई मक्तल को गया, मक्तल होता है जगह पे काटा जाता है बकरियों को भी आदमियों को भी सबको, मक्तल कत्ल से है। जिस धज से कोई मक्तल को गया वो शान सलामत रहती है। इस जान का यारो क्या कहना, ये जान तो आने जानी, इसलिए कभी ये मत सोचिए कि आप अगर जालम के खाब सामने खड़े हैं तो उसका जुल्म नहीं, आपका बर्दाश्त की हद नहीं, आप जिस तरह खड़े होंगे उसको जवाब देने के लिए वो काउंट करता है। ज़िंदगी में सिर्फ सक्सेस ही काउंट नहीं करती, ये भी काउंट करता है कि हाउ डू यू गो डाउन, हाउ आर यू फेलिंग, हाउ यू फॉट एंड लॉस्ट। सक्सेस इज नॉट द ओनली क्राइटेरियन लेडीज एंड जेंटलमैन। ऑल दैट आई विल डू इज दैट आई हैव गिवन यू टू थ्री पॉइंट्स। वन, थिंक अबाउट प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। टू, टू द मीडिया, लेट्स थिंक ऑफ ए प्रेस कमीशन। एंड थ्री, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इंडिया हैज सर्टन वैल्यूज, दिस होल रीजन हैज सर्टन बेसिक वैल्यूज, लेट्स प्रोटेक्ट देम एंड लेट्स नॉट सेक्रीफाइस देम एट द ऑल्टर ऑफ द वेस्ट, बिकॉज वी हैव आवर ओन आइडियाज एंड वी शैल गिव बैक टू द वर्ल्ड समथिंग विच इज़ बेसिक, विच इज़ वैल्यूएबल एंड विच इज़ लास्टिंग। थैंक यू वेरी मच।